हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो सब देख रहे हो बेब्लेड, एक साइड में डेड फिनिक्स है और दूसरे साइड में सारे टर्बो बेब्लेड्स हैं। तो सारे तो नहीं है, मतलब जितने मेरे पास थे उतने हैं ये, तो उनसे फाइट करेंगे, देखेंगे डेड फिनिक्स किससे जीत पाता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं और सबका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे कैटलॉग में। जो जो सेल हो चुके हैं उनका नहीं मिलेगा, जो बाकी बचे हैं उनका मिल जाएगा। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक ही फाइट करेंगे, ज़्यादा फाइट करेंगे। पहले सबसे कम पॉपुलर बेब्लेड्स है, मुझे नहीं पता ये कम पॉपुलर क्यों है, लेकिन सबसे बेस्ट मेरे को यही लगता है, आर्चर हरक्यूलिस। और बहुत ज़्यादा ही पावरफुल बेब्लेड है ये, देख सकते हो डेड फिनिक्स का क्या हाल हुआ है। तो इसलिए कहता हूँ मैं, ये पावरफुल बेब्लेड है। तो ये जीतते हुए नेक्स्ट बेब्लेड की बारी, सेबर, क्या कहते हैं इसको, सेबर एक्सकैलियस, जीनो एक्सकैलियस शायद। तो इससे तो जीत गया डेड फिनिक्स। जहाँ तक मुझे पता है कोई भी बेब्लेड बर्स्ट नहीं होगा इस फाइट में, क्योंकि सारे टर्बो वाले हैं और टर्बो वाले जितने बेब्लेड हैं बर्स्ट होते ही नहीं हैं। तो अभी बारी है इसकी, एम्परर फोर्नियस। तो देखते हैं, एम्परर फोर्नियस भी एक टाइप से ये लगा लो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेब्लेड है, स्टैमिना के उसमें तो और डिफेंस में भी। तो दोनों की लड़ाई बराबरी पे ही हो रही है, तो एम्परर फोर्नियस जस्ट जीता है बस। अभी नेक्स्ट बेब्लेड की बारी है। तो ये क्रैश रैग्नारोक है या टर्बो रैग्नारोक है, जो भी है इससे करेंगे। पहले डेड फिनिक्स, तो यार दिक्कत ये है कि इसमें जो परफॉर्मेंस टिप यूज़ हुई है वो इतनी बेकार है कि बता नहीं सकता मैं, और मैंने गलत परफॉर्मेंस टिप लगा रखी थी। तो एक बार और फाइट करेंगे। तो मतलब टक्कर होने से पहले ही रुक गया वो भी। अब की बार टर्बो रैग्नारोक जीत जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि जो इसकी परफॉर्मेंस टिप है वो भी बेस्ट परफॉर्मेंस टिप है। देख सकते हो ये भी बैरिंग टाइप टिप है, काफ़ी अच्छा वेब्लेड। तो अभी बारी है जी अखिलेश की। तो इसमें मैं हैवी वाली ही यूज़ कर रहा हूँ ताकि पता लग पाए कि जीत पाएगा या नहीं। सॉरी गाइस, जी अखिलेश गिरते हुए काफ़ी बुरी तरह से। ओके, तो इस बार तो जी अखिलेश बुरा हाल करने वाला है डेड फिनिक्स का। ये तो गलत ही हो गया यार। तो जैसा कि फाइट में हुआ था, अखिलेश बर्स्ट हो गया सिर्फ इसको बर्स्ट करके, वैसा ही रियल में भी हो ही गया। और तो और मैंने ये भी लगा रखा था, फिर भी बर्स्ट हो गया अखिलेश डेड फिनिक्स से, जैसा कि एनएमई में होता ही है हमेशा। तो उसके बाद में फिर टर्बो अखिलेश आता है, वो हरा था इसको।
तो देखते हैं कि टर्बो अकेले भी हरा पाएगा या नहीं हरा पाएगा इसको, अभी देखते हैं। तो पहले करेंगे चोजी वेलक्री से, चोजी वेलक्री मुझे नहीं लगता इस स्टेडियम में रुक भी पाएगा। ओके तो रुक तो गया, कमाल हो गया, लेकिन फाइट दोबारा करनी पड़ेगी। अगर चोजी वेलक्री जीतता है तो, लेकिन गाइस देख सकते हो चोजी वेलक्री हार ही गया। तो अभी करते हैं फाइट चोजी स्प्रिगन से। ओके तो इस बार तो कुछ तो हुआ कुछ ऐसा कि एक घंटा लगा इनको ढूंढने में हर पीस को, मेरे को इतनी बुरे तरह से फाइट हुई इनकी। और हुई भी क्या है, एकदम से दोनों बर्स्ट हो गए। और स्प्रिगन की परफॉर्मेंस टिप देखो कैसे हो रही है। तो इसका ब्लेड्स खुल चुके थे और ये बंद भी हो गए और बर्स्ट भी हो गए, तो इतना तक कड़ी टक्कर हुई थी इनकी दोनों की। तो ब्लेड बंद होके बर्स्ट हुआ है स्प्रिगन, तो काफ़ी ख़तरनाक फाइट थी। तो डेड फिनिक्स के भी आर्मर वार्मर सब कुछ यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं। काफ़ी ख़तरनाक हो गया ये तो। तो एक बार और करते हैं इनकी फाइट दोनों की। तो टर्बो स्प्रिगन काफ़ी अजीब है, अजीब नहीं मतलब ख़तरनाक बेबी है। तो लास्ट फाइट में देखा ही होगा बुरी तरह से बर्स्ट हुए हैं दोनों। तो इस बार मैं स्प्रिगन को पहले लॉन्च करूँगा। दोनों ही स्टेमिना टिप पे हैं, चोजी स्पिगन को भी मैंने स्टेमिना पे ही कर रखा है। तो इस बार तो नहीं हरा पाया और ब्लेड खुल चुका था एक तो इसका। तो गाइस स्पिगन की बारी ख़त्म, अब बारी है अकेलीस की जो कि लास्ट बेब्लेड है जिसको हराता है। तो देखते हैं क्या रियल में भी हरा पाएगा या नहीं हरा पाएगा। लेट्स स्टार्ट। तो लग तो कुछ ऐसा ही रहा है कि आराम से हरा देगा इसको, शुरुआत में ही बुरी तरह से टक्कर मार मार के बुरा हाल कर दिया था, लेकिन बर्स्ट होने वाला तो एक खुद ही था। तो गाइस एक बार और करते हैं फाइट। तो अकेलीस काफ़ी शांत मोड पे, अभी इसको थोड़ा अटैक मोड पे करना पड़ेगा। तो ये वाली फाइट तो अकेलीस जीत चुका है आराम से, लेकिन बर्स्ट नहीं कर पाया अभी भी, बर्स्ट देखना था। तो अभी करते हैं, ये हो गया इसका अटैक मोड शायद, एक बार इस पे करते हैं, एक बार फुल टॉलर पे करते हैं और ब्लेड्स खुल चुके थे। तो अभी देखते हैं अकेले इसको क्या करता है। तो बिल्कुल लो मोड पे है अकेले इस बार, तो डेड फिनिक्स के भी लो हो गया है अभी ये। तो इस मोड पे देखते हैं क्या कर पाता है। एक मैच जीत चुका है, एक मैच हार चुका है, और ये वाला मैच पता नहीं ड्रॉ होगा या हार जाएगा। तो अकेले थोड़ा सा टाइम से हार गया, ब्लेड्स खुल चुके थे अभी इसके। तो अभी करते हैं फिर से
अखिलेश को फुल टोल मोड में सबसे लंबा अखिलेश वाला मोड तो इसमें हो गया है बिल्कुल लंबा। अब करेंगे ट्राई। तो गाइस ये तो वही वाला सीन हो गया जैसे चोजी स्प्रेगन ने फेंक के मारा था वैसे ही अखिलेश ने फेंक के मारा है, लेकिन ब्लेड्स खुले हुए थे इसलिए अखिलेश बच गया और टेड फिनिक्स भी बच गया, सिर्फ अपर लेयर गई थी इसकी, तो दोनों ही बच गए हैं इस फाइट में। एक और फाइट करते हैं इन दोनों की। तो लास्ट फाइट एक डेड फिनिक्स के साथ। तो हाई मोड में ये होता है कि अटैक टाइप बन जाता है और जब तक टक्कर ही नहीं होगी तो क्या फायदा अटैक टाइप होने का। तो यार कोई फायदा नहीं हुआ, एक फाइट और करनी पड़ेगी ऐसे को। तो अखिलेश बाहर जाते हुए यार स्टेडियम चेंज करूँ क्या? चलो एक फाइट लास्ट करके देखते हैं इस पर, अगर हो गई अच्छी वाली तो ठीक है, नहीं तो स्टेडियम चेंज करूँगा। तो ये लास्ट फाइनल बैटल दोनों के बीच में और रिजल्ट सेम ही होने वाले हैं, डेड फिनिक्स जीतने वाला है। तो गाइस कैसा लगा डेड फिनिक्स स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेड और काफ़ी अच्छा बेब्लेड है ये, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।